समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के मोहम्मद नगर पूरा पंचायत चक महोरी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है। यहां ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू की निर्मम पूर्वक हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि सहदेव शर्मा अपनी ही पत्नी काजल कुमारी को हत्या कर दिया और साक्ष्य को छुपाने के लिए अधजली शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया। मृतक काजल कुमारी के चचेरे भाई नंद किशोर शर्मा ने बताया कि 23 नवंबर 2018 को हिंदू रीति रिवाज से चकमहोली गांव के रमेश शर्मा के पुत्र सहदेव शर्मा के साथ उनकी शादी हुई थी। उपहार में भी काफी सामान दिया गया था। मृतक के 1.5 साल के एक पुत्र भी है। बेगूसराय जिले के मंझौल गांव के मुखिया राजेश कुमार ने घटना को लेकर गुरुवार की शाम ही रोसड़ा DSP को जानकारी दी। मृतक काजल कुमारी के पिता रामेश्वर शर्मा ने बताया कि दहेज के लिए उनकी पुत्री को पूरे परिवार बराबर प्रताड़ित करते रहता था। हाल ही में जमीन बेचकर उनको पैसे दिए, उसके बावजूद वह उनकी पुत्री की हत्या कर दिया। सुबह गन्ने के खेत से ग्रामीणों ने शव को देखा, इसकी सूचना रोसड़ा थाने को दी। घटना स्थल पर रोसड़ा थाने की पुलिस पहुंचकर गन्ने के खेत से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। मंझौल ग्राम सिवरी के सरपंच संजीव कुमार ईश्वर ने बताया कि रजिया देवी सास कहती थी कि लड़की छोटा है और दहेज के कारण उसकी हत्या हुई है। इसी पंचायत के नंदकिशोर शर्मा पूर्व मुखिया मृतका का चचेरा भाई है। उन्होंने भी दहेज के लिए हत्या करने की बात बताई है। मृतका के पति बहेरी प्रखंड में डाटा एंट्री का काम करते हैं। मृतका का पुत्र 1.5 वर्ष का है, उसे कहां रखा गया है पता नहीं चल रहा है। ऐसे ये घटना हुआ है, ये घटना जो है अभी हम आए, हमको कल शाम को पता चला। बीच बीच में जो है प्रताड़ित किया जाता था मेरी बहन को कि हमको एक चरचकवा चाहिए और बिजनेस करने के लिए हमको कुछ रुपया चाहिए बार बार, और ये सब उपलब्ध नहीं कराने के बार बार हमारी बहन को ले भी नहीं जाता था और बार बार भेजते थे तो वो बार बार वो लोग सारे लोग प्रताड़ित करते थे। इसमें लड़का के पिताजी और उसका पूरा परिवार जो है इसमें शामिल है। जो जिसका हत्या हुआ है उसका क्या नाम था? काजल कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम यशवीर कुमार हुआ। आपका घर? मेरा घर सिवरी हुआ। आप लड़की का कौन लगते हैं? वो मेरी बहन है। उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता था और कहा जाता था कि तुम अपने बाप के घर से लेके आओ अपना पैसा, सोना जेवर चांदी हमको और चाहिए, तुम्हारा ये हाइट ठीक नहीं है, तुम देखने में ऐसी हो, ऐसे तब ले जाइए, ये सब बात हुई थी। पंद्रह दिन हुआ हमारा बेटी आया है, कल सुबह को फोन किया कि पापा वो निकाल लिए है, हमारा बर्तन नहीं दे रहे थे, हमारे बेटा भूख मर कर लिए, बेटा 2000 के बर्तन आरो किन के तुरा मेहमान के भेज दे हुआ, तकर बाद कल के माय से बात करवा, तकर बाद देखे तेजी से बात रहे, बाप रे बाप, मार दिल के तब 4 बजे फिर फोन करके कि जल्दी आइए रोसड़ा, आज दूसरा की जेबे, तकर बाद स्विच ऑफ कल के बाद में बुला रहा फोन के लिए तो कल के बेटी को मार दिल को। आपका घर कहाँ है? सिवरी। हाँ, जोल सिवरी, सिवरी। आपका नाम? परमेश्वर शर्मा। और लड़की का नाम? आंचल सर, आंचल काजल कुमारी। पति का नाम? सहदेव शर्मा। ये कौन से गांव में घटना हुआ है? चकमौली। चकमौली। घटना करने वाले का क्या नाम है? उसका नाम है सहदेव शर्मा है, उसके माँ के नाम है, सबके नाम बता ही देगा कागज में लिख है, बता हम कहाँ से भले है ना, से शादी भी भले है, जमीन बेच के पूरा स्वरूप समान रुपया दे के शादी भले है ना, तेकर बाद छठ पर्व से पहले जमीन बिकल है ना, छठ पर्व में लड़का लड़की ससुराल में रहे, जे से कि दवा बन रखिन पैसा हमरा जमीन बेचे छे हमरा आरू दे, ई लोग कहलखिन कि हमरा आरू परिवार है, कर्जा है, बेटा के पढ़ेलो हन, बैंक से लोन लेलो हन, से हमरा कर्जा तुरक छे, अभी हमरा से नहीं होते, तकर बाद छठ पर्व के बाद जे छे से सब लोग ससुराल से यहाँ चकमौली बिदागरी कराए के लोग, तकर बाद जे छे से सर ये सब प्री प्लांड हो करके एकदम साजिश के तहत और अगल बगल के जो सहयोगी हैं, हमको शाम कल शाम में पता लगा कि लड़की को जो है से हत्या हो गई है, आप लोग चलिए चकमौली यहाँ, तो हम लोग यहाँ आए तो रात में खोजे कि घर में कोई सारा सामान भी गायब है, नहीं लड़की है, नहीं कोई पड़ोसी में है, कि कहा कि भाई से दरभंगा चला गया इलाज कराने के लिए, तो रात भर हम लोग को रोशनी का टॉर्च का व्यवस्था नहीं था, इसलिए जैसे केतारी में हम लोग खोज नहीं सके बढ़िया से, लेकिन लोग एक दो गो आदमी अगर बगल से बुला कि लहास केतारी में कहीं फेंका हुआ है, आप सवेरे आइए खोजिए तब आपको लहास मिल जाएगा।
अभी कहाँ से लाश बरामद हुआ? क्या तारीख है? प्रशासन ने बताएंगे लाश क्या नाम है? संजीव कुमार ईश्वर, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत मंझौल 4।